मैं अपनी पार्टी के लिए समर्पित हूँ और समर्पित रहूंगी। ये नहीं कि क्या कहते हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ माननीय मंत्री जी से मिलना चाहती थी, नहीं मिला, मिलने दिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। बस इतना है कि यहाँ आने के बाद जब ये कहा गया कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो मुझे ये लगा कि मैं तो प्रथम महिला हूँ, मैं तो सिर्फ मेरी गलती यही है कि मैं कार्य कर रही हूँ, समर्पित हूँ, बस जो गाइडलाइन आ रही है उसके अकॉर्डिंग में पूरे शहर में कार्य कर रही हूँ। और भावुक इसीलिए कि अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि मैं जिस जनता के लिए समर्पित हूँ, जो कार्य कर रही हूँ, शायद वो पसंद नहीं आ रहा है कुछ लोगों को, तो मेरा थोड़ा सब्र का बांध क्या लगती है, किस 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 किसने किया है ये कोई मुझे ये मेरे कुछ कोई जानकारी नहीं है। आप अंदर गई हैं, आपसे बातचीत हुई है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो एक तरफ कोने में बिठा दिया गया, और मैं कह रही क्या जरूरत है अंदर जाने की भी, जब नहीं बुला रहे तो बिना मतलब मैं नहीं इस्तीफा मैं नहीं दूंगी, इस्तीफा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे मुझे कार्य करना है, समाज की सेवा करनी है। मैं किस पार्टी में हूँ किस में नहीं हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे नहीं मालूम, आप ही देख रहे हैं तो सब आप जानते हैं, जोड़ा जा रहा है नहीं जा रहा, जब मुझे बाहर बैठा दिया जाए। क्या चाहती हैं? मैं तो यही कहती हूँ कि जिस तरह से सम्मान सबको दिया जा रहा है मुझे भी दिया जाए, और मुझे जनता ने चुना है, कोई ये तो है नहीं कि मैं इन लोगों की परवाह करूंगी। इस तरीके से सम्मान नहीं मिलता है इसको।